तो आप देख सकते हो कि इसे थोड़ी थोड़ी जल रही है, तो शायद आपको दिख नहीं रही होगी, और अब आप देख सकते हो कि आपको दिख रही होगी कि हल्का हल्का ही जल रही है, उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही जितना अच्छा यूट्यूब पर आपको दिखा देते हैं। तो अब तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हमारे को एक गोबर गैस का प्लांट बना के देखना है, क्या ये रियली वर्क करता है। लोग बनाते हैं, लोग बोलते हैं क्या गोबर गैस का प्लांट रियली में वर्क करता है या नहीं। तो हम एक गोबर गैस का मिनी प्लांट बनाएंगे और उसको देखेंगे जलाकर भी कि क्या ये सच्ची में आग जला पाता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आज के टाइम पे आपको भी मालूम है कि दिन ब दिन गैस और पेट्रोल के भाव आसमान की ऊंचाइयों पे चले गए हैं, तो हमारे को कुछ इसका अल्टरनेट ढूंढना ही पड़ेगा। और हम आपको गोबर गैस का मिनी प्लांट बना के दिखाएंगे। अगर आपका डिमांड रहा तो इसको कुछ बड़े लेवल पे भी ट्राई करके देखेंगे, और जिससे कि आपका घरेलू काम चल जाए, ठीक है। तो ये प्लांट हम बना रहे हैं, ये केवल एक मिनी प्लांट है, इससे कोई काम चलेगा नहीं। अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं, और सबसे पहले चाहिए हमारे को एक बॉटल, और दूसरा चीज़ चाहिए एक नली, जो कि सर्जिकल आइटम है, सर्जिकल दुकान पे मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर पे। ये केवल मात्र 20 रुपये का है। और फिर इसके बाद हमारे को करना है इसको असेंबल। इसको असेंबल करने के लिए हम यूज में लेंगे ओनली फेविक्विक का। चलो, तो सबसे पहले हमारे को ये बोतल के अंदर एक छेद कर देना है। ये दिख रहा है आपको, तो ये इस तरह का कुछ छेद कर देना है आपको, ताकि हम इसके अंदर ये वाला भाग है इसको इसके अंदर असेंबल कर सकते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर ये नली इसको डाल देना है। जैसे भी अंदर गया इसको के बाद में फेविक्विक के माध्यम से इसको पूरा एकदम परफेक्ट कर देना है, ताकि इसके अंदर का हवा बाहर ना जा पाए और इसके अंदर का हवा इसके अंदर ही रहे, ठीक है। तो इसको परमानेंट कर देंगे ताकि इसके अंदर का हवा बाहर बिल्कुल भी ना जा पाए। बाहर और अंदर के दोनों साइड से हम कर रहे हैं, आप भी बाहर और अंदर दोनों साइड से कर सकते हैं, ताकि अंदर का हवा बाहर नहीं जा पाए। जब इसके अंदर मीथेन गैस तैयार होगा तब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा तब चांसेस है कि ये लीकेज कर जाएगा। और अगर ये गैस लीकेज हो गया थोड़ा बहुत तो इसके अंदर का गैस सब बाहर आ जाएगा, और फिर कुछ गैस बचेगा नहीं और हमारा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। तो आप भी इसको परफेक्ट शेप में तैयार करें ताकि ये सही से वर्क कर पाए। तो मैंने इसको परमानेंट एकदम सही कर दिया है, तो कि परमानेंट मैंने इसको एकदम रेडी कर दिया है ताकि इसके अंदर का हवा बिल्कुल भी बाहर ना जा पाए। ये दोनों चीज़ रेडी होने के बाद हमारे को सिर्फ चाहिए गोबर, ठीक है। और गोबर के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर दो और इसको थोड़ा एक लेप टाइप में क्रिएट कर दो, जैसे कि गीला गीला, ठीक है। हम यूज में ले रहे हैं गाय का गोबर, तो गाय के गोबर से गोबर गैस बनाएंगे और फिर देखेंगे कैसा काम करता है, कैसी गैस क्रिएट होती है। आप कोई सा भी गोबर यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन हम गाय का गोबर ही यूज़ में लेंगे,
तो अब ये पूरा भर चुका है और इसके अंदर इतने इतने भाग में गोबर गैस तैयार होने वाला है। इतने भाग के अंदर पूरा गैस भरेगा और फिर उसको जला सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। जहाँ भी आपको यूज में लेना है वहाँ ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको परफेक्ट तरीके से बंद कर देंगे ताकि कोई लीकेज ना हो। अब दूसरा काम ये रहेगा कि इसके ये जो इसके अंदर जो ये कम ज़्यादा करने का है, इसको सबसे पहले लॉक कर देना है। इधर से ये बटन लॉक हो गया, अब इसके अंदर का गैस बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये हमारा पूरा गोबर गैस तैयार हो चुका है। अब इसको केवल बारी है तो केवल जलाने की और टेस्ट करने की। तो मिलते हैं आपको 7 दिन के बाद। ये रहा हमारा बॉटल, ये हमने पूरा प्लांट बनाया है, ये मिनी प्लांट है। इससे केवल टेस्टिंग की जा सकती है गोबर गैस कैसे बनती है और रियली वर्क करती है या नहीं। तो ये जब बॉटल हमने भरा था तो इसको हमने थोड़ा ये दब रहा था, इसके अंदर हवा थोड़ी छोड़ दी थी इसको, ताकि इसके अंदर जो गैस बने वो बॉटल के अंदर एडजस्ट हो जाए, क्योंकि हमने हवा इसके अंदर ज़्यादा नहीं रखी और फिर भी ये बॉटल के अंदर गैस बन चुका है ज़्यादा से ज़्यादा। और देख सकते हैं कि इस बॉटल का हाल क्या हुआ है, इस बॉटल पूरा ये उभर गया है और इसके अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा ही हो गया है, गैस का प्रेशर मीथेन गैस इसके अंदर बन चुकी है। और अब इसको केवल टेस्टिंग करने की बारी है और टेस्टिंग ही हम जल्द करेंगे। इसको 2 दिन और रख देते हैं ताकि इसके अंदर प्रॉपर गैस बन जाए। तो दोस्तों आपको एक बार और जला कर दिखा देता हूं कि गोबर गैस सच्ची में काम कर रही है या फिर नहीं। तो ये है हमारा ट्रिगर, ये कंट्रोल, ये जो गोबर गैस का ये मिनी प्लांट है इसका कंट्रोलर इधर से है। और अब इधर आग जला कर देखते हैं कि इसके अंदर आग लगती है या नहीं। फिर से एक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जल तो नहीं रही है बेसिकली, लेकिन ये छोटी छोटी फ्लेम तो जल रही है लेकिन आग नहीं जल रही है। ये देख लो थोड़ी थोड़ी फ्लेम तो जल रही है, लेकिन 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 ये गोबर गैस थोड़ी मात्रा में है, कुछ ज़्यादा मात्रा में गोबर गैस बनती नहीं है। ये बॉटल का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है, वो इजीली दब भी रहा है। और इसके अंदर आप सोच रहे हो कि गोबर गैस बन गई है, ऐसा तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो इसके पीछे की साइंस है कुछ और साइंस है, जो कि दूसरे यूट्यूबर बेसिकली आपको बताते हैं कि इसके अंदर गोबर गैस तैयार हो गई है 3 दिन के अंदर बेसिकली। तो ऐसा चीज़ पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हमने कम से कम इस बॉटल को 3 से 4 महीने की दर हमने इस बॉटल को कम से कम 1 से 1.5 महीना पड़ा रखने के बावजूद भी इसके अंदर एक छोटी सी मात्रा में भी गैस नहीं बनी। केवल हम जलाते हैं तो इस छोटी छोटी फ्लेम आती है, तो वो तो ऑक्सीजन के कारण भी आ सकती है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर गोबर गैस बन जाए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि इसके अंदर गोबर गैस बनती है या नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोबर गैस 3 दिन के अंदर तो बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बेसिकली दूसरे यूट्यूबर करते क्या है, आपको ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरे यूट्यूबर क्या करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 3 दिन के अंदर गोबर गैस पूरा तैयार हो जाता है और वो आपको जलाकर भी दिखाते हैं। तो आप बेसिकली आप उनके ऊपर विश्वास कर देते हो। तो
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है, तो उस साइंस के माध्यम से वो लोग इस ट्रिक को करते हैं। तो क्या करते हैं, वो गोबर गैस के अंदर वो भरने के बाद में वो डालते हैं कैल्शियम कार्बाइड का एक छोटा सा स्टोन इस बॉटल के अंदर, और कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, तब उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है और फिर वो गैस से आग बिल्कुल जल सकती है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि वो कैसे करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हो कि इसे थोड़ी थोड़ी जल रही है, तो शायद आपको दिख नहीं रही होगी, और अब आप देख सकते हो कि ये आपको दिख रही होगी कि हल्का हल्का ही जल रही है, उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही जितना अच्छा यूट्यूब पर आपको दिखा देते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं कि यूट्यूब पर आपको किस तरीके से पागल बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो वीडियो को ऑफ करके इस कैप को खोल लेते हैं और फिर लेते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड। ये है फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बाइड, जो कि आपको गैस वेल्डिंग की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। और इस कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं, इस बोतल के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये पानी से मिक्स होता है और इसके अंदर एक एसिटिलीन गैस बनती है। तो आप देख सकते हो हमने जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड को डाला, इसके अंदर गैस बनना स्टार्ट हो चुका है और एक गैस आपको निकलती हुई दिख रही होगी। तो इसे हम क्या करते हैं कि पूरी गैस को पहले हम निकाल देते हैं और फिर आई बी सेट के कैप को हम कुछ इस टाइप से इस पर कस दे रहे हैं, और हमें अच्छे तरीके से टाइटली इसे कस लेना है, इससे बिल्कुल भी गैस लीकेज नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि बोतल के अंदर काफ़ी सारी गैस बन चुकी है और ये अभी और भी बनती जा रही है। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सारी गैस इसके अंदर बन चुकी है और ये बोतल भी टाइट हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको कैल्शियम कार्बाइड ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारी बोतल भी फट सकती है। तो आप देख सकते हो कि हमारी बोतल के अंदर काफ़ी सारी अच्छी तरीके से गैस बन चुकी है। अब हम इसे जला करके देखते हैं। तो जो हमारा आई वी सेट है, इसे हम हल्का हल्का खोलते हैं और फिर इसे हम लाइटर की मदद से जलाते हैं, और आप देख सकते हो कि जो हमारा गैस है ये जलना स्टार्ट हो चुकी है। और इसी तरीके से आपको बायोगैस बताते हैं, ये बायोगैस नहीं है, दरअसल ये फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस है, जो कि आप देख सकते हो बायोगैस के नाम से आपको यूट्यूब पर दिखा देते हैं, और ये आप देख सकते हो कितने अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि गोबर गैस नहीं होती है, गोबर गैस होती है, लेकिन इसे बनाने के लिए इसके बहुत ही बड़े बड़े प्लांट होते हैं। अगर इतने छोटे से प्लांट में इतनी सारी गैस बनने लगे तो फिर हम LPG गैस के सिलेंडर क्यों लें, वो 800 से 900 रुपए तक का पड़ता है। हम ऐसे ही प्लांट बना करके अपने घर के खाना बनाने के लिए यूज में ना ले लें। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, गोबर गैस बनती तो इसी तरीके से है, पर उसे बनाने के लिए उसके बहुत ही बड़े बड़े प्लांट होते हैं और कई क्विंटल गोबर में कुछ लीटर गैस ही बन पाती है, और इसी वजह से हमारे भारत में ये बायोगैस सक्सेसफुल नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल होता तो फिर LPG गैस की जगह पर हमारी ये बायोगैस ही हमको मिलती। तो आपने देख लिया कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे काम करता है, बोतल के अंदर एक छोटा सा स्टोन डाला, उसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो गई और फिर आग लग, उस यूट्यूबर ने आपको बताया इस इधर नोजल के आगे आग लगाई, फिर कितने खतरनाक तरीके से आग जल रही थी। तो ऐसा तो कैल्शियम कार्बाइड से ही पॉसिबल है, क्योंकि 3 दिन के अंदर गोबर गैस का बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बड़े बड़े प्लांट रहते हैं उधर भी, कम से कम 3 दिन से 4-4 महीना उन गोबर को सड़ाया जाता है इन प्लांट के अंदर, फिर उसके अंदर मीथेन गैस पैदा होती है, तो तभी आग लग पाती है। बाकी बॉटल के अंदर गोबर गैस बनाकर आग जला देते हैं दूसरे यूट्यूबर 3 दिन के अंदर, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ हकीकत में तो काम करती नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी इतने समझदार हो कि 3 दिन के अंदर गोबर गैस नहीं, मजाक है ये। चलिए तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जो दूसरे यूट्यूबर आपको बता देते हैं गोबर गैस का सच्चाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।